NH Studio start the journey from 1980s. लगभग आज 43 साल हो गए जो NH Studio ने जर्नी शुरू किया. ये जर्नी स्टार्ट हुआ जयपुर से, राजस्थान थिएटरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत करी. और जब थिएटर में जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया तो आफ्टर टू इयर्स ओनली, आई मीन टू से फ्रॉम 1981 आई एम टेलिंग यू, तो उस टाइम से हर महीने 3 नया पिक्चर रिलीज करता था राजस्थान टेरिटरी के अंदर, जिसमें खासकर साउथ की पिक्चरें लाइक पद्मालय स्टूडियो, मेरी आवाज़ सुनो, हिम्मत वाला मवाली, जस्टिस चौधरी कैदी, और जितेंद्र का जो एक टाइम चला था, तो जितेंद्र जी का 67 पिक्चर NH स्टूडियो ने राजस्थान में रिलीज किया. और 1983 से NH स्टूडियो नया वर्टिकल इंडस्ट्री के अंदर नया वर्टिकल लेकर के शुरुआत करी, जिसमें NH स्टूडियो ने IPR खरीदना शुरू किया, जो कि इंडस्ट्री के लिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नई बात थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हिमालय की गोद में और हरियाली और रास्ता, जो कि हमारी पहली पिक्चरें थी. जबकि हमको ये भी नहीं मालूम था कि जो IP खरीद रहे हैं इसको क्या बोला जाता है इंडस्ट्री के अंदर. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमको मालूम पड़ा कि इसको निगेटिव राइट्स बोला जाता है, तो हमने फिर जब विजय भट्ट की ये दोनों पिक्चरें खरीदी और वहाँ से ख़रीद करके एक जुनून चढ़ा कि हम आगे से आगे इस लाइब्रेरी को बढ़ाते जाएं. और उसी श्रृंखला में हमने 1986 में रोटी पिक्चर अपने राजेश खन्ना की, मनमोहन देसाई की निर्देशन में बनी हुई, वो लिया और जिसको हमने री रिलीज किया, जो उस टाइम पे री रिलीज के अंदर नए आयाम उस टाइम पे किए और बहुत बड़ी आय हुई उस टाइम पे. और 1987 में हमने बहुत बड़ी फिल्म खरीदी जिसका नाम था अमर अकबर एंथोनी, जो मनमोहन देसाई से जिसका IP हमने खरीदा. और उसका री रिलीज जब हमने 10 प्रिंट से मुंबई सर्किट पे किया, तो उस टाइम में बड़ा जादूगर पिक्चर रिलीज हुआ था और जादूगर पिक्चर अच्छा नहीं चला था. और हमने ये पिक्चर लगाया तो लोगों को लगा था कि ये पिक्चर बिल्कुल ना चलेगी, लेकिन थैंक्स टू द गॉड, थैंक्स टू द पब्लिक, वो पिक्चर वो हमारे लिए बहुत ही वरदान सिद्ध हुआ. और 10 थिएटर में जब हमने रिलीज किया, हर थिएटर मराठा मंदिर से लेकर के अपने गेटी गैलेक्सी बांद्रा, पिंकी अंधेरी, जय हिंद लालबाग, सब जगह पे 28 के 28 शो वहाँ पर जब फुल हुए, तो लोगों को लगा ये क्या हो गया. आपको जैसा बता रहा हूँ, आज जो आपके सबके बीच में जो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अमर अकबर एंथोनी जब हमने रिलीज़ किया था, तो री रिलीज़ के अंदर एम्बेसडर होटल में हमने प्रेस शो किया था, प्रेस मीट किया था अराउंड 200 प्रेस वालों के साथ में. और बड़ा अच्छा उन्होंने हमको रिवार्ड दिया था, हर पेपर में अमर अकबर एंथोनी थी और पब्लिक ने बहुत उसको सहाया, बहुत हमको उससे बल मिला. और उसी बल से हम आगे बढ़ते बढ़ते आज आपको मैं बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आज NH स्टूडियो भारत की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी 2500 फिल्म प्लस रखता है, जिनके IPR NH स्टूडियो के पास में है. ये बहुत मुझे खुशी है इस बात की, इस पिछले 40 सालों में मतलब जो है आज हम इस आयाम पर पहुंचे हैं. सर, इसके अलावा DD जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना चैनल है, उसको रिवाइव करने जा रहा है स्टूडियो, सर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, कुछ बताइए सर. दूरदर्शन के साथ में मैंने 1997, 98, 99 में बहुत काम किए. उस टाइम पर हम लोगों ने, मुझे याद है, जो फ्राइडे को जो रात को जो फिल्म आती थी और सैटरडे को जो शाम को प्राइम टाइम पे जो फिल्म आती थी, एक नए आयाम पर पहुंचाया था, मुझे याद है. और पब्लिक बहुत पसंद करती थी उसको, जो कि मुझे ये कहते हर्ष होता है
कि उस टाइम पे 1997-98 में जब फ्राइडे का स्लॉट हम लोग दूरदर्शन को 1 करोड़ रुपया फीस देते थे उस 3 घंटे के, और उस पर फिल्म चला करके, और हमारे पास इतने एड रेवेन्यू आते थे कि हमको जो लिमिटेशन देते थे 1800 सेकंड में, तो हमको 3,3200 सेकंड हमारे पास होते थे और हमको सॉरी बोलना पड़ता था और 1800 सेकंड में उसको करना पड़ता था। बड़ा सक्सेसफुली दूरदर्शन को हमने चलाया है। और जब उसके बाद में जब ये कोविड का पीरियड आया तो उसमें फिल्में दूरदर्शन पे दिखाना बंद कर दिया था, और तो हमको बड़ा दिल से वो लगा क्यों नहीं ये फिल्में वापस से लाई जाए, क्यों नहीं रिवाइव किया जाए, क्यों हर भारतवासी को ये फिल्में देखने का मौका मिले। तो हमने दूरदर्शन से जाकर के रिक्वेस्ट करी, बात करी कि हमारे को ये स्लॉट यहाँ पर हमको फिल्म चलाने के कुछ स्लॉट हमको दिए जाए ताकि हम पूरे भारतवर्ष में हर पब्लिक के पास पहुंच करके उनका पारिवारिक मनोरंजन कर सकें, और उसमें हम कामयाब हुए। तो पिछले कुछ समय से हम लोग दूरदर्शन पे दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक हिंदी फीचर फिल्म दिखाते हैं, हर रोज़ दिखा रहे हैं, और जिसका GRP एकदम जीरो था उसको उस GRP को काफ़ी हद तक हम ऊपर लेकर के आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इस खुशी को देख करके, इस हमारे एग्जांपल को देख करके दूरदर्शन भी बहुत खुश हुए, दूरदर्शन के सब हमारे जो साथी बंधु सब बहुत खुश हुए, और उन्होंने हमने और उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमको प्राइम टाइम दिया जाए। तो फिर प्राइम टाइम पे उन्होंने हमको एक नाम रखा जिसका फंडू फीचर फिल्म्स। फ्राइडे अपने फ्राइडे को रात को 9 बजे से हम फीचर फिल्म दिखाना शुरू किए हैं, और ब्लॉकबस्टर फिल्म्स से बड़े बड़े मनोरंजन फिल्म्स उसमें दिखा रहे हैं, और सैटरडे को 8 बजे हम फीचर फिल्म्स दिखा रहे हैं। हमारी दिली इच्छा है कि भारत के परिवार पे जन जन पर तक पहुँचे, और उनके जो पूरे भारतवासी जो अपने व्यस्तता अपने कार्यक्रम में रहते हैं उस व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाल करके कुछ मनोरंजन को भी अपने साथ लाएं, और अपना जो टेंस फ्री जो टेंस में जो जी रहे हैं वो टेंस फ्री होए। और यही हमारी कामना है कि हर भारतवासी इसमें हमारा साथ देंगे और हम उनका साथ देंगे, और NH स्टूडियो वादा करता है कि जन जन पहुंच करके ऐसी पारिवारिक फिल्म आपके घर तक पहुँचाएँगे जो आप पूरे अपने परिवार के साथ बैठ करके देख सकें। तो दोस्तों, मेरी दो बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा प्रसार भारती CEO गौरव द्विवेदी जी को, कंचन जी को और दिनेश प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी और हम पर भरोसा जिताया, जिसके लिए हमने शुरू किया DD नेशनल पर देश का चैनल, देश का अपना चैनल NH स्टूडियो की तरफ से हर रोज़ दिन के 1 बजे आपकी पसंदीदा फिल्म दिखा रहे हैं, और फ्राइडे को फंडू फीचर फिल्म में, शुक्रवार को रात को 9 बजे और शनिवार को रात को 8 बजे ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दिखा रहे हैं। आप सब अपने परिवार के साथ में बैठ करके ये फिल्में दिखें। और आपको ऐड करना चाहूँगा मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हमको मिली है, वो है रंगोली, जो आप रोज़ अभी भी देख रहे हैं, सुबह रविवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे आप देख रहे हैं। इसका नए लुक में नए तरीके से इस रंगोली का कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन चालू है, और जल्दी ही आपके सामने नए रूप में नए तरीके से रंगोली आपका मनोरंजन करेगी, आपका मनोरंजन का साधन बनेगी। थैंक यू। स्टूडियो की जो आगे की जवाबदारी जिम्मेदारी जो मैं सौंप रहा हूँ, वो मेरे पुत्र अपने श्रेयांश हीरावत यहाँ पर बैठे हैं, ये आपको उसके बारे में बताएंगे। क्या विजन है सबसे पहले वो बताइए, क्योंकि लेगेसी बहुत बड़ी है, तो आई एम श्योर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगी आपके ऊपर, अगर कुछ शेयर करना चाहें। सो जैसे हमने अभी जाना सीखा, हमारी लाइब्रेरी इतनी अच्छी खासी
लाइब्रेरी है जो इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस हिंदी फिल्म्स को या इंडियन सिनेमा को जितने जितने ईजीएस्ट वे में जितने लोगों तक पहुँचाया जा सके वो हम टारगेट करते हैं। इसलिए हम साल में जितने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं जैसे कान फिल्म फेस्टिवल, मिपकॉम, मिप टीवी, अमेरिकन फिल्म मार्केट या वियतनाम, टोक्यो, सॉरी बुदापेस्ट जैसे जितनी जितनी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बूथ लगाते हैं, हमारी मूवीज शोकेस करते हैं और कोशिश करते हैं जितने बाहर के नेटवर्क्स, टीवी चैनल्स, इंडियन ऑडियंसेस हैं वहाँ पे हम पहुँचे। आज की नए जनरेशन में जो OTT का नया वेव आया है उसको भी हम अच्छी तरीके से टच करते हैं। एनी न्यू OTT विच कम्स अप इन इंडिया वी आर द फर्स्ट वंस टू लाइसेंस दम फिल्म्स, बी इट फॉर JioTV टू एज न्यू एज मे बी अ Plexigo, वी आर ऑलवेज इन द फ्रंट रनर्स टू लाइसेंस दम फिल्म्स एज टू रीच द इंडियन ऑडियंसिस एज मच एज पॉसिबल। वी ऑल्सो ऑपरेट आर सोशल मीडिया नेटवर्क ऑन विच वी हैव आर ओन चैनल्स विच हैज़ अ वेरी वास्ट बेस ऑफ 35 मिलियन यूजर्स अक्रॉस 33 चैनल्स वेर वी आर ऑलमोस्ट क्लॉकिंग अबाउट 50 मिलियन आवर्स ऑफ कंजम्पशन। सो सिंस 1980s वी हैव बीन ऑलवेज डूइंग लाइब्रेरी फिल्म्स एंड देन 2016 वी स्टार्टेड डूइंग न्यू मूवीज। In 2016, we started doing new movies. We distributed a bunchful of them and we started with the film Pink. It has been one of the greatest success stories for us. And since then, we've done about 16 movies. In 2020, post-COVID, we realized that it's time we enter into production and we started producing new movies. Our latest success story has been of Freddy. You will be expecting some of them coming, a few of them coming up very soon, starting with one which we are doing with Mr. Nana Patekar, titled The Confession. It is a thriller film based on some real facts and it's an edge of the seat thriller directed by Mr. Anand Narayan Mahadevan. After that we have collaborated with Mr. Ajay Devgan and Ace Maker director Mr. Neeraj Pandey, tentatively titled Auron Mein Kaha Dam Tha, which soon will be coming in theaters. Yes. For all our young audiences, we want to reach you with the best and the cleanest entertainment as possible. You be on Snapchat, be on Instagram, be on Facebook or be on WhatsApp, we'll catch you there. Jaise Hirawat ji ne kaha, 1997 mein, 98 mein, DD was one of the top leading networks and for some reasons, it didn't catch up to the glory it was. Lot of new channels had come in after that, Zee, Star, Sony, but DD thoda background mein chala gaya. However, in 2020 during COVID, jab Ramayan DD pe aaya, we still noticed it was the top TRP channel from 2015 till date. We realized that the potential is still there and we wanted to make the best of it. So, thanks to the efforts under the leadership of CEO Gaurav ji, we got this opportunity where we are managing the afternoon and the prime time slots of the weekend, Friday and Saturday. We are trying to showcase the best of Indian cinema there, right from your Sholay to your latest films, as latest as your Once Upon a Time in Mumbai, Once Upon a Time in Mumbai Dobara, and a lot of other feature films. We are also handling the responsibility of marketing these slots and selling the advertisements for such feature films. We want to maximize these opportunity and get to every household the way it was, to make it a custom where every Friday and Saturday evening it's a family ritual where the entire family sits together in front of the TV, switch on DD National and enjoy a film which everybody can watch together. Not only that, our initiative is to revamp Rangoli 2.0 where you will be soon seeing new visuals which makes it a tradition to first thing first on a Sunday morning 8 AM you enjoy the musical program. तो हम invite करते हैं विज्ञापन देने वालों को भी हमारे मनोरंजन के साथ में, आप अपने विज्ञापन भी NH स्टूडियो के माध्यम से DD नेशनल के लिए आप दे सकते हैं, आप सब आमंत्रित हैं। थैंक यू।